नाउ द क्वेश्चन नंबर फोर. इन द क्वेश्चन नंबर फोर फाइंड द लाइक टर्म. लाइक टर्म मीन्स एक जैसे टर्म. इक्वेशन इज गिवन एक्स फोर थ्री एक्स क्यूब वाई सिक्स एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स क्यूब वाई माइनस टू एक्स वाई क्यूब वाई की पावर फोर. इट इज़ आल्सो रिटन अ कॉमा. माइनस थ्री एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर फिफ्टीन एक्स वाई एट एक्स स्क्वायर वाई ट्वेंटी सेवन एक्स वाई स्क्वायर. क्लियर. लाइक टर्म का मतलब होता है जैसे x की पावर 4 है तो हम ढूंढेंगे x टू पावर 4 कहाँ लिखा है और हमें दिखाई देगा कि पूरी इक्वेशन में कहीं नहीं लिखा है. इट मीन्स नन अदर देन x टू पावर 4. थ्री एक्स क्यूब बाई, क्या कहीं x क्यूब बाई लिखा है? नंबर से मतलब नहीं है, x क्यूब बाई से मतलब है. कहीं x क्यूब बाई लिखा है? ये लिखा हुआ है. तो मीन्स थ्री एक्स क्यूब बाई माइनस टू एक्स क्यूब बाई दीज टू आर द लाइक टर्म्स. मीन्स जिसके हमारे टर्म एक जैसे हों. कॉन्स्टेंट से मतलब नहीं है, टर्म एक जैसे होने चाहिए. एक्स क्यूब बाई मीन्स लाइक टर्म. अगला देखते हैं सिक्स एक्स स्क्वायर वाई. कहीं नहीं लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है कहीं सिक्स एक्स स्क्वायर वाई. और कहीं एक और लिखा हुआ है सिक्स एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर. एक्चुअली इट इज़ रिटेन एंड हेयर माइनस थ्री एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आल्सो रिटेन. यस यस यस. इट मीन्स दीज टू आर द लाइक टर्म. सिक्स एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस थ्री एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर. क्योंकि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर टर्म है और ये टर्म कैसे हैं? लाइक हैं. नंबर से कोई फर्क नहीं पड़ता. ठीक है. टू एक्स क्यूब वाई, तो एक्स क्यूब वाई कहीं नहीं लिखा हुआ है. एक्स वाई क्यूब कहीं नहीं लिखा हुआ है. एक्स वाई ये भी कहीं नहीं लिखा हुआ है. इट मीन्स दीज टू ऑनली आर द लाइक टर्म्स. एंड नाउ इन द क्वेश्चन नंबर फाइव राइट द कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन एक्स स्क्वायर. तो हमें इसको भी नहीं देखना है, इसको भी नहीं देखना है, केवल एक्स स्क्वायर वाले को देखना है. तो कितने एक्स स्क्वायर हैं? हाउ मेनी एक्स स्क्वायर? ओनली वन. सो कोफिशियंट इज वन. क्यूब वाले को नहीं देखना है, एक्स को नहीं, वन को नहीं. हाउ मेनी एक्स स्क्वायर? माइनस टू. सो कोफिशियंट इज माइनस टू. क्लियर. पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन.